खेल को जीतने वाला एक पल में करोड़पति बन जाएगा, लेकिन चीजें जितनी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग में जहां बहुत सारे पैसों का लेन देन चल रहा था। वहीं एक अजीब सी लालटेन के नीचे विंस नाम के एक आदमी ने अपने सामने वाले आदमी के सर पर बंदूक रख दी। उस आदमी ने भी बदले में अपनी बंदूक विंस के सर पर रखी। विंस गोली चलाने ही वाला था कि उसे याद आया कि इस सब की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज से ठीक 4 दिन पहले विंस, उसकी माँ और उसकी बहनों ने अपना घर बेचने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें अपने पिता के इलाज का खर्चा भरना था। वो एक एक्सीडेंट की वजह से काफी समय से अस्पताल में भर्ती था। विंस लोगों के घरों की बिजली ठीक करता था और रोज काम पर जाने से पहले अपने पिता से मिलकर जाता। आज वो मिस्टर हैरिसन के घर पर था, जिसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। हैरिसन नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला छिपकर उसकी तस्वीर खींच रहा था। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस चिट्ठी के बारे में बताया तो विंस ने उसे कहते हुए सुना कि इस चिट्ठी के जरिए वो जल्द ही मालामाल हो जाएंगे। फिर शाम को घर लौटकर विंस ने अपनी बहन का जन्मदिन मनाया, जिसे तोहफे में बकरी का बच्चा चाहिए था। उधर देश के दूसरे कोने में जैस्पर नाम के एक आदमी को कुछ खतरनाक लोग मिले, जिन्होंने उसे $2 मिलियन उधार देकर 3 दिन के अंदर $3 मिलियन लौटाने को कहा। अगले दिन वो फिर से हैरिसन के घर गया, जो अपने दोस्त से कह रहा था कि ये खास काम उसे 1 दिन में करोड़पति बना देगा। फिर अपने दोस्त के जाने के बाद हैरिसन अपने कमरे में बैठकर शराब पीने लगा, लेकिन ज्यादा पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौके पर पुलिस आई, जिसने विंस से थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे जाने दिया, लेकिन जाने से पहले विंस ने हैरिसन का खुफिया खत चुरा लिया। उसमें न्यूयॉर्क जाने के लिए एक ट्रेन टिकट थी और पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान लेने के लिए एक पर्ची भी थी। विंस ने पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी आईडी दी और सामान ले लिया। उसमें एक फोन, $500, एक चाबी और एक खत था जिसमें मकड़ी बनी हुई थी। खत में लिखा था कि उसे पैसों का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क में एक होटल में रहना होगा और अब से उसे सिर्फ इस नए फोन का ही इस्तेमाल करना है। मिस्टर हैरिसन की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को गुम हो चुके खत के बारे में बताया और जब पुलिस पोस्ट ऑफिस पहुंची तो पता चला कि विंस ने हैरिसन का सामान लिया है। ये खबर डिटेक्टिव मुलेन को मिली, जो इन खुफिया खतों का केस सुलझा रहा था। अगले दिन विंस न्यूयॉर्क की ट्रेन में बैठ गया। वो नहीं जानता था कि एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। न्यूयॉर्क पहुंचकर वो एक होटल में रुका। जब कॉल आई तो उसने हैरिसन बनकर बात की और अगले दिन पोस्टनेट स्टोर जाकर चाबी से एक डब्बा खोला, जिसके अंदर एक नया खत और एक और ट्रेन टिकट थी। उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर 13 लिखा हुआ था। खत में बताया गया था कि उसे एक स्टेशन पहले उतरना होगा। ट्रेन में टीसी ने उसकी टिकट देखकर पुलिस को बता दिया कि वो कहां जा रहा है, लेकिन वो तो एक स्टेशन पहले ही उतर गया। इस तरह वो जाने अनजाने में पुलिस से बच निकला। इसके बाद उसे एक टैक्सी लेकर शहर से बाहर जाना था। वहां टैक्सी के जाने के बाद उसे एक और गाड़ी लेने आई। ड्राइवर ने उसे 13 नंबर का टुकड़ा दिखाया और उसका फोन लेकर उसे गाड़ी में बैठाकर ले गया। पुलिस छानबीन करती हुई कुछ देर बाद वहां पहुंची, लेकिन टैक्सी वाला उन्हें नहीं बता पाया कि विंस आगे कहां गया है। उधर ड्राइवर विंस को जंगल के बीचों बीच ले गया। वहां 2 आदमियों ने उसे साफ कपड़े दिए और पुराने कपड़ों की तलाश की, यहां तक कि उन्होंने जूतों का पिछला हिस्सा तक तोड़ दिया। अब विंस एक नई जगह पहुंचा जहां कई अमीर लोग मौजूद थे। वहां उसकी मुलाकात हुई जो से, जिसने उसे यहां बुलाया था, लेकिन उसने देखते ही पहचान लिया कि ये हैरिसन तो नहीं है। विंस ने बताया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से हैरिसन की मौत हो गई थी, इसीलिए उसकी जगह वो आया है और जो के पास विंस को खेल खिलाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। उधर नीचे काफी ज्यादा पैसों का जुआ खेला जा रहा था। जैस्पर ने नंबर 6 पर सट्टा लगाया और जो ने विंस पर, जिसका नंबर 13 है। ये सट्टेबाजी का खेल असल में जिंदगी और मौत का खेल है। विंस को एक बंदूक देकर बाकी खिलाड़ियों के साथ गोले में खड़ा कर दिया गया। हर किसी को एक गोली मिली और बंदूक की नली घुमाने पर उन्हें बंदूक अपने सामने वाले खिलाड़ी पर रखनी होगी। जैसे ही ऊपर लगे मकड़ी वाले लालटेन में बत्ती जलेगी, सब गोली चलाएंगे और जो भी बच जाएगा वो अगले राउंड में चला जाएगा। विंस बेहद डरा हुआ था और कपकपाते हाथों से उससे बंदूक में गोली भी नहीं डल रही थी। आखिरकार बत्ती जली और कुछ लोग मारे गए, लेकिन राउंड अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि विंस ने गोली ही नहीं चलाई थी। तभी सिक्योरिटी आ गई और उन्होंने विंस से जबरदस्ती गोली चलवा दी। खुशकिस्मती से सामने वाला आदमी बच गया। पहले राउंड के बाद जो ने विंस को डटकर खेलने का हौसला दिया। जिन अमीर लोगों के आदमी मर गए, अब वो जो के पास आकर विंस पर सट्टा लगाने लगे। उधर जेफरसन नाम का एक खिलाड़ी अपने मालिक जिमी से कह रहा था कि वो जिमी को 50 गुना पैसे दे देगा अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकाल दे।
जिमी को समझ नहीं आया कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो वो ये खेल खेल ही क्यों रहा है। जेफरसन ने उसे बताया कि वो जेल में हुआ करता था और एक दिन उन्होंने उसे एक बक्से में बंद करके एक बिल्डिंग में भेज दिया, लेकिन जिमी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैस्पर को भी अपने खिलाड़ी पर सट्टे मिल रहे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई रोनाल्ड था। दरअसल रोनाल्ड पागल खाने में हुआ करता था, लेकिन जैस्पर ने उसे बाहर निकलवा लिया ताकि वो उसे अपना खिलाड़ी बना सके। अब शुरुआत हुई दूसरे राउंड की, जहां हर बंदूक में दो गोलियां होंगी। इस बार आधे खिलाड़ी मारे गए और विंसेंट अपनी ताकत की वजह से बाल बाल बचा। वहीं नंबर 11 हैंस को भी दिमागी दौरे पड़ने लगे। इस खतरनाक खेल से किसी का भी दिल दहलना लाजमी था। उधर जेफरसन जिमी को बताने लगा कि वो एक ट्रक लूटने के जुर्म में जेल गया था, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही उसने पैसे कहीं छुपा दिए थे। उसने जिमी से कहा कि अगर वो खेल में मारा गया तो उसकी जेब में रखे नक्शे से पैसे ढूंढकर आधे जिमी खुद रख ले और आधे उसके बेटे तक पहुंचा दे। आखिरकार जिमी ने उसकी बात मान ली। उधर सट्टेबाजियों के दौरान जैस्पर ने देखा कि अब रोनाल्ड की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। जब जैस्पर ने नंबर निकाल कर देखा कि रोनाल्ड नंबर 13 के पीछे खड़ा होगा, तो रोनाल्ड ने पागलपन में आकर नंबर 13 यानी विंस पर एशट्रे फेंक कर मारी। जैस्पर ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया। अब तीसरा राउंड शुरू हुआ और खिलाड़ियों के दिमाग पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हैंस एक दवाई लेकर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ और नंबर 3 को तो कुर्सी पर बैठकर खेलना पड़ा। उधर रोनाल्ड ने फिर से विंस पर हमला कर दिया और बाकियों ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। इस राउंड में हर खिलाड़ी के पास 3 गोलियां होंगी। बत्ती जलने पर सबने गोली मारी और अब सिर्फ 5 जिंदा बचे, विंस, जेफरसन, रोनाल्ड नंबर 3 और नंबर 9। अब बारी थी खेल के आखिरी पड़ाव की। इसमें 5 ढकी हुई बॉल्स को टेबल पर रखा गया, जिनमें से 2 काली थी और 3 सफेद। हर खिलाड़ी का मालिक एक बॉल चुनेगा और जिन भी 2 आदमियों के पास काली बॉल आई, उनके खिलाड़ी आमने सामने होंगे और बाकी के 3 बच जाएंगे। आखिरकार जैस्पर और जो के हाथ काली बॉल्स लगी, जिसका मतलब ये था कि विंस को रोनाल्ड का सामना करना होगा। रोनाल्ड सबसे तगड़ा खिलाड़ी था, इसलिए बाकी सब ने उस पर सट्टा लगाया, लेकिन एक आदमी ने विंस पर भरोसा दिखाया। उधर जिमी ने जेफरसन से कहा कि वो अपने पैसे लेकर जा सकता है, लेकिन जब जेफरसन कपड़े बदल रहा था तो जिमी ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया। एन वक्त पर सिक्योरिटी ने आकर उसे बचाया, क्योंकि बचे हुए खिलाड़ी पर हमला नहीं किया जा सकता। अब जेफरसन हंसने लगा, क्योंकि उसने जिमी को जो भी कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। उसकी जेब से निकला नक्शा भी खाली था, लेकिन सच तो ये था कि असली नक्शा अब भी उसके पास है, जिसे याद करके उसने जला डाला और वहाँ से चला गया। अब आखिरी राउंड शुरू होने से पहले रोनाल्ड गुस्से में चिल्लाकर जैस्पर से इनाम का हिस्सा मांगने लगा। वो जानता था कि उसके माँ बाप जैस्पर को उसकी देखभाल के लिए पैसे देकर गए थे, लेकिन जैस्पर ने उसे पागल खाने में डाल दिया। उसे जब जब जरूरत होती वो रोनाल्ड को बाहर निकाल कर अपना खिलाड़ी बना लेता, लेकिन इनाम का एक भी हिस्सा रोनाल्ड को नहीं देता था। अब शुरू हुआ आखिरी राउंड, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। विंस और रोनाल्ड ने एक दूसरे के सर पर बंदूक तानी और जैसे ही बंदूक चली, किसी भी गन से गोली बाहर नहीं आई और दोनों बच गए। अब एक और गोली बंदूक में डाल दी गई और इस बार रोनाल्ड मारा गया, यानी विंस इस खेल को जीत चुका था, जो खुशी से नाच उठा और जैस्पर अपने भाई की मौत का शोक मनाने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा विंस को लग रहा था, क्योंकि उसके माथे पर एक आदमी की मौत का कलंक था। इनाम के तौर पर विंस को $1,850,000 मिले और सबने उसे खुशकिस्मत कहा, क्योंकि रोनाल्ड आज तक कोई खेल नहीं हारा था, जो ने उसे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचाने की बात कही। विंस ने हाँ तो कर दी, लेकिन जब वो अपना सामान बांधने ऊपर गया तो वो एक खिड़की से कूदकर फरार हो गया। ड्राइवर ने देखा कि वो भाग गया, लेकिन जो को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। विंस सुबह तक ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो उसी टैक्सी ड्राइवर ने उसे देख लिया और पुलिस को फोन करके विंस की खबर दे दी। लेकिन खुशकिस्मती से विंस ने दूर से ही पुलिस को देख लिया और वो पैसों से भरा बैग कचरे के डिब्बे में छिपाकर भाग निकला। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे पकड़कर मुलेन के सामने भेजा। जब डिटेक्टिव ने पैसों के बारे में पूछा तो विंस ने ऐसा दिखाया जैसे उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, और पुलिस वालों को घुमाने के लिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी। उसने कहा कि वो खेल वाली जगह तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो हैरिसन नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे जंगल के बीचों बीच गोली मारनी चाहिए। लेकिन विंस किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। विंस ने कहा कि भाग भाग कर मेरे जूते तक टूट गए, ये देखो। उसने बताया कि वो मुजरिम का चेहरा जरूर पहचान सकता है, लेकिन पुलिस को उनका पता नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेकर गए थे। उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए मुलेन ने विंस को जाने दिया।
इसके बाद विंस टैक्सी से वापस स्टेशन पहुंचा, लेकिन ये क्या, कचरे के डब्बे में तो उसका बैग था ही नहीं। लेकिन उसने देखा कि सारे कचरे के लिफाफे पीछे पड़े थे, यानी उसका बैग भी वही होगा। विंस हर कचरे से भरा लिफाफा छान मारने लगा और आखिरकार उसे अपना बैग मिल ही गया। लेकिन बैग को अपने साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो सीधा पोस्ट ऑफिस गया और सारा पैसा अपने परिवार को भिजवा दिया। बाद में उसने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि कल उन्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद वो एक दुकान में गया जहाँ उसे बकरी के बच्चे का खिलौना दिखा और उसने $100 देकर खिलौना खरीदा। फिर विंस आखिरी ट्रेन में चढ़ा और जैस्पर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। वो विंस से इस तरह बात करने लगा जैसे वो पहली बार मिल रहे हों। जब ट्रेन पहले स्टेशन पर पहुंची तो जैस्पर ने अचानक विंस को गोली मार दी और उसका बैग छीनकर भागने लगा। उसे लगा इसमें इनाम के पैसे हैं, पर असल में उसमें भारी खिलौनों के अलावा और कुछ नहीं था। उधर विंस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरने से पहले उसने अपने परिवार को याद किया और अंत में उसने पोस्ट ऑफिस से मिली वो पर्ची निगल ली। इसी के साथ उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या आप पैसों के लिए ये खतरनाक खेल खेल सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।